देखिए भाई, तो हम लोगों जो है हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था फोटोसिंथेसिस। अब इसी डिस्कशन में हम कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा आप जरा चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि आपको इतना पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास जो है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये दो बात जो कि बार बार आके हमें परेशान करता है, ये कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। इसके लिए एकदम क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स को रखो क्लियर कि लाइट रिएक्शन की अगर बात होगी तो सिर्फ एनर्जी फॉर्मेशन की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फॉर्मेशन की बात होगी। और अगर एनर्जी फॉर्मेशन की बात होगी तो ATP और दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है बिल्कुल NADPH2 उसकी बात होगी। उसके बाद अगर आप डार्क रिएक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे हाँ फूड सिंथेसिस की बात होगी, और अगर आप फूड सिंथेसिस की बात कर रहे हो तो मेन इन्वॉल्वमेंट किसका है, CO2 का है। अब आप सबको ये रिएक्शन पता है कि H2O जब CO2 से कंबाइन करता है तो हमारे पास शुगर मतलब ग्लूकोज बनता है और साथ में O2 बनता है। अब अगर मैं ये बोलूँ, सुनो मेरी बात को, कि सर आपने अभी कहा कि CO2 जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए और H2O जो है वो सिर्फ एनर्जी देने का काम कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इस बात से कोई मुकरा नहीं जा सकता बिल्कुल, क्योंकि बात ये फैक्ट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी किस रूप में जो है जाता है, ये एनर्जी जो है इसका जाने का तरीका क्या है, मतलब एनर्जी का मतलब कहते हैं ना वो वे क्या है जिससे कि शुगर बन रहा है आपके, यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक डिस्कशन के होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम पहले LHC को डिस्कस करेंगे, फिर आज हम फोटो सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और फिर हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फो सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर होने वाला है, जो कि सबसे मेजर अब तक के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और मतलब कहते हैं ना क्वेश्चंस के भंडार, यही तीनों टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो आपको पता ही होना चाहिए, ये ग्रेना में होता है और ये स्ट्रोमा में होता है। वैसे अब इसको सिर्फ ग्रेना मत लिखो, अब ग्रेना के साथ साथ स्ट्रोमल लैमेली भी लिखो आप लोग ना, हाँ, क्योंकि वो अब आपको क्लियर हो चुका है कि फोटो सिस्टम अगर यहाँ पे है तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज का नया टॉपिक दैट इज योर LHC। चलिए ध्यान से देखो बच्चा होता क्या है। LHC समझाने से पहले मैं आपको फिर से एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। LHC समझाने से पहले वो छोटी सी चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके हिसाब से हमारे पास कंसेप्ट ये है कि एनर्जी जो होता है वो वेव लेंथ के इनवर्सली रिलेशन में पाया जाता है। मतलब अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि हाँ एनर्जी बढ़ रहा है तो उसकी वेव लेंथ वहीं पे इंस्टेंटली क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है, ये एकदम बहुत ही बेसिक सी बात है। या अगर मैं यूँ बोलूँ कि किसी चीज़ का वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, ऑटोमेटिकली कम हो रही होगी, ये आप जानते हो। तो चलिए इसी के आधार पे LHC को समझने का कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान से सुनेंगे, एंड लेक्चर तक मैं आपको गारंटी देता हूँ समझ आ चुका होगा। LHC का फुल फॉर्म होता है बच्चा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बला है सर, चलिए समझाते हैं हम आपको। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वही चैप्टर फिजिक्स में 12th बन जाता है, 12th चैप्टर में एक एटम करके चैप्टर बन जाता है, जिसमें अगर आपको याद हो तो बाल्मर पाशन पीफंड ब्रैकेट लैम्फ्रे वगैरह सीरीज पढ़ा होगा आपने, है ना, हेम्फ्रे वगैरह आपका। उसमें आपने ये देखा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्साइट होकर ऊपर की तरफ जब जाता है ना तो वो एनर्जी को लेके जा रहा होता है, जब एनर्जी को लेके जब किसी अपने पीक मोमेंट पे पहुंच जाता है उसके बाद जब उसकी डाउनफॉल स्टार्ट होती है तो वो जो भी एनर्जी लेके गया उस मोमेंट के बाद वो सारे एनर्जी को क्या करता है, ये रिलीज करना स्टार्ट करता है। मतलब यूं है कि आपने जैसे मैंने इस बच्चे को बहुत तेज मारा, तो जब मारा तो ये बहुत देता है, मारने के बाद ये कुछ दूर हट गया ऐसे एकदम हटा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला दृश्य होता है, होता है ना, थोड़ा सा एग्रेशन दिखता है। सेम बेटा इलेक्ट्रॉन करता है सेम, मतलब जब आप उसको हिट करोगे ना, जब पहली एनर्जी दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो भाग जाएगा, फिर कहीं रुकेगा, फिर याद आएगा कि हमको तो उसने मारा है, तो वो अब जितनी भी एनर्जी आपने मारने में लगाई वो सारी छोड़ता हुआ वापस आ जाएगा। तो हमेशा बेटा दुनिया का कोई भी सिस्टम है
वो यही चाहता है कि अगर आपने उसको कहीं से एक्साइट किया है तो वो दूसरे टाइम पर साइमल्टेनियसली वो उसी सिस्टम पे आके क्या हो जाए, रुक जाए, और उसको उससे क्या मिल जाएगी, उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये दुनिया का नियम होता है बेटा। आप भी देखते हो, आप कितना भी उड़ लो, कहते हो ना एक दिन जमीन पे आना है, ये लॉजिक क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझाया गया था इसी से। ये कितना भी उड़ लो एक दिन जमीन पे आना है। सेम बेटा यहां भी कंसेप्ट है। आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कहां से हो रही है? वो हो रही है लाइट से। लाइट पड़ा किसी फोटो सिस्टम पे, यू लाइट आ रहा है, लाइट आती है फोटो सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उछला। उछलने के बाद अब इलेक्ट्रॉन के पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर ये उछल गया तो लौट के वापस आ जाए, पहला ऑप्शन, ताकि काम खत्म। या फिर अगर उछला है तो जितना एनर्जी लेके गया वो एनर्जी किसी और अगले को दे दे, दूसरा ऑप्शन है। या तीसरा ऑप्शन है कि जब वो उछला तो उस एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करवा दे। अगर वो एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवा देता है तो उसे हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट की हेल्प से हुआ। तो तीन चांसेस हैं। पहला चांस बताओ, अगर उछला है तो क्या वो वापस आ जाएगा, पहला चांसेस है। या अगर उछला है तो अपनी एनर्जी किसी और को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। या फिर उछला है तो उसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ये तीन चीजें हो सकती हैं। तो मैं ये तीनों कंडीशंस पहले लिख रहा हूं, यहां पे सुनिए, समझना। अगर इफ लाइट हिट्स द पिगमेंट, पिगमेंट इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स, इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन गेट बैक टू इट्स, कहते ना, इनिशियल पोजिशन, पहला चांसेस। या फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड टू अदर पिगमेंट्स, या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन। सो ये वाली बात जो है आपको मैंने बोल दी और यहां पे मैंने इसको लिख दिया, आपको आसानी समझ में आ गया। ये चीजें हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्या होगा और आपको अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? तो आपको अपने सिलेबस में बेटा दो ही चीज पढ़नी है। आपके साथ, आप जो इस इलेक्ट्रॉन को उछालोगे उसके साथ, या तो ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दे किसी और पिगमेंट में, पहली चीज हो सकती है। या फिर वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके लिए आपके अपने लेवल के सिलेबस में है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपको पढ़नी है, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और यही आपको पढ़नी भी है। तो आइए समझते हैं इस पॉसिबिलिटीज के चांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। तो भाई हमने एलएचसी पढ़ाना स्टार्ट किया आपको। अब एलएचसी देखिए जरा ध्यान से। एलएचसी भैया दो चीजों से मिलकर बना होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। देखो, पहला रिएक्शन सेंटर, क्या हुआ, गुड, अभी वो बातें अभी आगे होंगी, साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग। अभी मैंने बस एक सरफेस आइडिया दिया है। अभी नॉन साइक्लिंग में वापस कहाँ आता है, साइक्लिक में तो वापस आ जाएगा, लेकिन नॉन साइक्लिंग में तो नहीं आएगा। तो मैंने एक आइडिया दिया कि क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला आपको, कि या तो वो वापस आ जाए, या फिर वो किसी पिगमेंट को पास कर दिया जाए, या फिर केमिकल रिएक्शन में हो जाए। तो अब वो कौन कहां पे होगा वो तो आगे देखेंगे ना बाबू, वो अगले एपिसोड में। जी जी, तो मैंने कहा तीनों चांसेस हैं, लेकिन अपने को पढ़ने सिर्फ दो ही चीज है। ये वाला इससे नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये चीज ना थोड़ा रेयर है। तो अभी समझाता हूं क्या चीजें हैं। देखो भाई, तो पहला होता है बेटा एलएचसी के अंदर रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होता है एंटीने या एंटीना। ध्यान से सीखेंगे ये वाली चीज को बाबू, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, बहुत आराम से सिखा रहा हूं, सुने ध्यान से। तो बेटा एलएचसी जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके दो पार्ट होते हैं, एलएचसी एक रिएक्शन सेंटर, दूसरा एंटीना। रिएक्शन सेंटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, और उसका नाम है क्लोरोफिल ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले तो याद रख ले, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। आज इस बात को दिमाग में रख ले, क्लोरोफिल ए हमेशा कैसा काम करेगा, रिएक्शन सेंटर। तो बाकी एंटीना जैसा कौन काम करेगा, अदर पिगमेंट्स। अदर पिगमेंट्स लाइक कौन कौन, क्लोरोफिल बी,
हाँ, जेंथोफिल या फिर कैरोटीन, बिल्कुल सही। ये आपके जो भी हैं कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन, ये आपके काम करते हैं एज अ एंटीना, ठीक है। ये मेन पिगमेंट है। कलर तो पता है ना, इसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन। इसका क्या होता है बच्चा? ग्रीन येलो। जेंथोफिल का बताओ, एक्स वाई बताया था कुछ, येलो होता है और इसका ऑरेंज होता है, याद है ना सब? इसका तो बहुत आसानी से याद कराया था, एक्स और वाई याद कर लेना। और इसका ग्रीन येलो कैसे, ये ब्लू ग्रीन है तो अगला ग्रीन और येलो वाला हो जाएगा ना, मेन पिगमेंट। अब सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, अब नेक्स्ट थोड़ा सा साइड में चलते हैं, सिखाते हैं आपको। देखो बेटा, अब मान लेते हैं इसके डायग्रामेटिकली समझो कैसे पॉसिबल है ये चीज। ये हमारे पास है क्लोरोफिल ए, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। अब समझना थोड़ा सा, अब मजा आएगा। ये हमारे पास है क्लोरोफिल ए, ये अपने पास है क्लोरोफिल ए, उसके नीचे ये बने हैं हमारे पास एंटीनेज, एक दो तीन, क्लोरोफिल बी वाला हो गया, ये जेंथोफिल वाला हो गया, और ये अपना क्या, इसको ऑरेंज बना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओगे। वेर इज ऑरेंज, ये ऑरेंज मान लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से पिगमेंट्स बनाया मैंने। अब देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। इसको इकट्ठा हम लोग बोलते हैं एंटीना। ये सब मैं बेसिक समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। और ये जो है बाबू, ये हमारे पास है रिएक्शन का सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और इसको मिला के अपन क्या बुलाते हैं, एल एच सी, जो कि लाइट को क्या करता है, हार्वेस्ट करता है, लाइट को रोक के रखता है। यहां पे हमारे हैं अपने, हाँ, सूर्य देवता अपने यहां पे लगे हुए, ठीक है। अब यहां से पड़ने लगी किरणें, इस तरीके से लाइट यहां पे आना स्टार्ट हो गया, लाइट आना स्टार्ट हो गया। अब जरा कंसेप्ट समझने ध्यान से, देखो भाई, अब यहां पे मैंने एक सेटअप तैयार किया है। अब देखो एक एग्जांपल ही समझाता हूं मैं आपको। लेट से मैं मान लेता हूं कि ये जो रिएक्शन सेंटर है ये अपने पास है 680 नैनोमीटर वाला। अब अगर ये 680 नैनोमीटर का हमारा रिएक्शन सेंटर है तो क्या ये 680 से नीचे जितने भी वेवलेंथ होंगे क्या वो सबको एक्सेप्ट कर सकता है? लेकिन 700 तक वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास रेज यहां पे पड़ा, इसका वेवलेंथ जो है एक फॉर एन एग्जांपल 550 नैनोमीटर का था, मान लेते हैं 550 नैनोमीटर का था। अब अगर इसको कुछ एनर्जी मिल रही है 550 नैनोमीटर की, तो क्या यह अपनी एनर्जी के पास, इसके पास तीन ऑप्शन आ गया, या तो रख ले मतलब वापस बुला ले, या फिर अगले पिगमेंट को क्या कर दे, पास कर दे, या फिर तीसरा चांस क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन करा दे। तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये सोचता है कि क्यों ना इस एनर्जी को अगले को पास कर दे, तो अगला पिगमेंट ऑप्शन है इसके पास, साथ में अगला पिगमेंट का ऑप्शन है, तो ये साथ को पास करना सर ज्यादा बेहतर समझेगा। तो एक बार बताओ, अगर इसने अपनी एनर्जी को अगले को पास करी है तो वो 550 से ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर एनर्जी पास हुई है तो एनर्जी कम हुआ है, और अगर एनर्जी कम हुआ है तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहां पे 550 से वैल्यू ज्यादा आएगी, मान लेते हैं कितना होगी 560 वाली। अगर यहां 540 वेवलेंथ होता तो कभी ये पासिंग नहीं कर पाता। क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहां पे बनाया जा सकता, फ्रेमिंग अच्छी हो सकती है। अगर 540 होगा तो कभी ये ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि रिवर्स ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता। अब अगर ये 540-60 है भैया, तो ये यहां ट्रांसफर किया तो ये क्या रहा होगा, 560 से ऊपर, लेट से 550 रहा होगा। अब अगर ये 550 है तो इसने यहां ट्रांसफर किया होगा, यहां ट्रांसफर किया होगा, यहां ट्रांसफर किया होगा, यहां किया होगा, यहां किया होगा, यहां किया होगा, और फाइनली ये यहां पे कर दिया होगा। तो अगर ये 570 रहा होगा तो ये डेफिनेटली 570 से ऊपर, मतलब 580, 590, 600, 640, 660, 670, और ये क्या हो गया? समझ आया कि नहीं आया? पहले ये ट्रांसफर का खेल समझ आया कि नहीं आया? अगर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता तो क्या कभी ये लाइट एनर्जी हमारे रिएक्शन सेंटर तक पहुंच पाती क्या? नहीं। तो एक कहने का अर्थ है कि एंटीना क्या करता है, तो एंटीना बस एक ही खेल खेलना जानता है, और वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू, सॉरी, फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू, लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ, क्या हाँ या ना बोलो? अच्छा, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, सॉरी, हायर टू लोअर एनर्जी? अरे यही तो हो रहा है, क्या इसी बात को मैं हायर एनर्जी लिखूं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी? अब आपसे कोई पूछे कि एंटीना का क्या काम होता है तो बहुत आसान शब्दों में उत्तर देना कि एंटीना बस एक ही काम संभालता, और वो काम क्या है, ट्रांसफर, बस।
तो जब अगर अच्छा कोई पूछे कि क्या एंटीना में कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन मुमकिन है, कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी एंजाइम यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सारे एंजाइम किसके पास पड़े हुए हैं? रिएक्शन सेंटर के पास। तो यहां पे पड़े हैं सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन कंटेंट, यहां पे सब रिएक्शन कंटेंट पड़े हुए हैं। इसको बस कुछ मतलब नहीं है, इसको जो भी वेवलेंथ मिल गया अब उसको लेके अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और फर्दर हमारे रिएक्शंस को करवाता रहेगा। बस ये वो काम कर, मतलब ये असिस्टेंट है ना बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अरे हाँ या ना, हमारे पास ये कौन सा भैया रिएक्शन सेंटर वाला मेन पिगमेंट है? बिल्कुल भैया मेन पिगमेंट है। अगर मेन पिगमेंट है तो बताओ ये ग्रीन ग्रीन कलर में क्या है, क्या ये क्लोरोफिल ए है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। तो हई जो एंटीना है ये क्या है? ये एसेसरी वाला है। और अगर ये एसेसरी वाला है तो इसमें तीन चीज बनाई है मैंने, तो नीचे वाले को अगर मैं कैरोटोनॉइड मानता हूं तो इसको मैं जेंटोफिल मानूंगा, तो इसको मैं क्लोरोफिल बी मानूंगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं है? क्लियर हो गया? ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ गई आपको। अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, पूछो अच्छा ये 660 का है तो ये कौन सा फोटो सिस्टम है फिलहाल में? PS2 है, ठीक है। और अगर 700 होता तो PS1 होता। भाई एमर्सन का यही तो एक्सपेरिमेंट था, उसने जब 600-700 करा के देखा तो फोटोसिंथेसिस मजा नहीं आया, जब मिला दिया तो बहुत मजा आ गया। इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यही तो था बेटा। अब जब दोनों मिलाया तो मजा आया, तो इनको समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस कभी भी किसी एक सिस्टम में संभव नहीं है, उसके लिए 680 भी चाहिए, उसके लिए 700 भी चाहिए, उसके लिए PS1 भी चाहिए और उसके लिए PS2 भी चाहिए, तभी आप मस्त एकदम कहते ना कमाल वाला फोटोसिंथेसिस करा सकते हो, अदरवाइज एक में तो कोई मुमकिन ही नहीं है। ये बात एमर्सन ने रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बताई थी। उम्मीद करते हैं आपको वहां तक की बात अच्छे समझ में आ चुकी थी और ये बात भी अच्छे समझ में आ गई आप लोग को। क्लियर है कि नहीं है पहले तो ये बताओ, है क्लियर भाई? क्या ये वाली बात भी क्लियर है आपको और ये वाली कंसेप्ट भी समझ आ गई है? तो पहले इसको कॉपी करोगे फिर आगे आपको रिएक्शन सिखाते हैं कैसे करते हैं। ऐसे डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे, इतना सस्ता प्रोफेशन थोड़ी है, पैसे ही पैसे होंगे और क्या। सही बात है। हाँ फिलहाल तो क्या पैसा यार, तो रिस्की काम है ये, तो रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। कितना रिस्की काम है, मान लेते अगर अतिशय तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो अकॉर्डिंग टू लीगल जो भी हमारा कंडीशंस उसके हिसाब से वापस तो करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा तभी तो आए हैं कि गया तो कुछ नहीं जाएगा, है ना। चलो समय वो सबसे बड़ा कीमत का चीज है बेटा, है ना। कल को अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके लाख दो लाख तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आपके पास एक एक MR आएंगे दवाई का, कंपनी वाले बड़े बड़े आपको एडवर्टाइज करने के, सर हमारी दवाई आप लिख दिया करो, हम आपको USA का टूर अप्लाई वो देंगे, ऑफर करते हैं। सोचो USA का टूर जो कि 4-5 लाख खर्चे का बजट होता है, वो आपको एक दवाई कंपनी दे रही है, मस्त घूमो पैसे, क्या अतिश है। हाँ इसके लिए अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, BMS वाला डॉक्टर को नहीं मिलता ये सब, उसको नहीं मिलता है, उनको अपना ही करना पड़ता है। अच्छा ना ना वो बेकार है, ठीक है चलो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा ठीक है, एक कहाँ चला गया? हाँ उसके बाद पॉसिबल है, लेकिन फिर वो MBBS वाला टाइम चला जाएगा ना यार, वो तो है बड़ा कि... तब चलो हो गया। देखिए बच्चा अब यहाँ पे एक चीज समझाते हैं आपको, यहाँ का जो लॉजिक है, अभी पूछा एक बच्चे ने कि सर ये क्या 680 को डायरेक्ट लाइट नहीं मिल रहा है कि इनको मिल रहा है, ये पास कर रहे हैं इसको। देखो इसका एक लॉजिक काम करता है, यहाँ पे आपने एक मार्केटिंग सुनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या फिर चेन मार्केटिंग बोलते हैं इस कंसेप्ट को। एक बिजनेस मॉडल होता है, उसमें होता क्या है, ये लोग बड़ी अच्छे अच्छे सेमिनार रखते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के लाते हैं अपने सेमिनार में। हाँ अगर आप नहीं जाओगे तो वो पैसे भी देते हैं सामने से कि 10 रुपये लो और हमारे सेमिनार में बैठ जाओ, बस सुन लो। उसमें ये समझाते हैं कि कैसे जो है आप एक दिन में अंबानी जैसा बन सकते हो, हाँ, और नहीं जुड़ने का क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके, ये भैया सी चीज़ें वहाँ समझाई जाती है। और आपको ये भी बताते हैं कि आपके दाढ़ी से पहले भी घर में गाड़ी आ जाएगा,
और खुद ही सेमिनार के बाद ऑटो से घर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनकी कहानियां होती है, तो ये कुछ ऐसा ही लॉजिक है। तो सबसे कहते हैं, वो ये समझाते हैं कि हमारे ऊपर ना कोई बॉस होता है, हम ऐसे काम करते हैं, आप ऐसा करोगे आपको कुछ पैसे आएंगे, वो पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, इसे भी मिल जाएंगे, इसे मिल जाएंगे, फिर सारे पैसे अल्टीमेटली वहां पहुंचेंगे, और बॉस को डायरेक्ट पैसे तो हमारे सनलाइट से आ ही रहा है और आप लोग भी दे रहे हो, एक दिन आप ही बॉस बन जाओगे, फिर आपको भी बॉस है लोग पैसे देंगे, कुछ ऐसा मॉडल समझाते हैं। और ये वो वाला मॉडल जो है ये बायोलॉजी से चुराया हुआ मॉडल है उनका, है ना, क्योंकि देखो पूरी बायोलॉजी की बात ही है ना, तो वो हमारे मॉडल को चुरा के अपना मॉडल बनाते हैं और कहते हैं अमीर बन सकते हैं हम लोग, वाहियात मॉडल है, कुछ ही ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसका लॉजिक ये बेटा, ऐसा नहीं कि सनलाइट अगर यहां पड़ रहा है तो यहां नहीं पड़ रहा, सनलाइट यहां भी पड़ रहा है बराबर, यहां भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है। अबे सन के लाइट को क्या पता है कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, वो तो डिजाइनिंग है ना। तो मैंने तो आपको यूं समझाया कि अगर यहां पड़ रहा है तो क्या होगा, अब आप यूं सोचो अगर ये यहां पड़ रहा है तो फिर अगले ट्रांसफर यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा, अगर डायरेक्टली यहां पड़ रहा है तो फिर सारी एनर्जी इसको ही मिल जानी है, तो फिर कहीं और नहीं जाएगी भाई। तो ये कहने का अर्थ है कि सनलाइट कहीं पे पार्शियलिटी नहीं कर रही, वो सबको इक्वली मिल रही है। यहां तो मैंने कॉन्सिक्वेंस ये समझाया कि अगर यहां पड़ रही है तो वो ट्रांसफर कैसे हो रही है, क्योंकि मुझे यहां पर ट्रांसफर मैकेनिज्म समझाना था आपको। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लाइट ऊपर नहीं पड़ रही होगी, लाइट पूरे जगह पर पड़ती है बेटा, लाइट का कोई पार्शियलिटी कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, अपने नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चा फोटो सिस्टम कंसेप्ट। चलिए फोटो सिस्टम कंसेप्ट के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। भैया ये फोटो सिस्टम कंसेप्ट क्या है? देखो भाई बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। फोटो सिस्टम कंसेप्ट जो है बच्चा वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, इट्स ए मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स। पहला है LHC, दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन, और तीसरा है बच्चा, तीसरा है हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस पार्ट, ठीक है भाई। तो फोटो सिस्टम इन तीन चीज से मिलकर बना होता है और इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से काम कर रहा होता है। इसमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं अवेलेबल है तो वो फोटो सिस्टम हमारा खराब है, किसी काम लायक नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा LHC किससे मिलकर बना होता है अभी बताएं हम, बताओ। हाँ, रिएक्शन सेंटर और एंटीना, है ना, इससे मिलकर बना होता है हमारा LHC। अच्छा अब ये जो पूरा फोटो सिस्टम है ये फर्दर दो चीजों से मिलकर बना है, इसके फर्दर दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इस पूरे फोटो सिस्टम का, बताइए, PS1 वाला टाइप, और दूसरा होता है PS2 का टाइप। और ये चीज का जो नाम है बच्चा, ये नाम किसके बेस पर रखा गया है? बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी के ही बेस पे ये कंसेप्ट रखा गया है। अब ये क्या है कैसे वो समझते हैं, देखिएगा। अगर मैं ये बोलता हूं आपको कि हमारे पास PS1 है, तो PS1 का अरेंजमेंट किस प्रकार देखने को मिलेगा, देखिए PS1 में इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम होगा, सिस्टम के एक बीच के हिस्से में जो है हमारे पास LHC पाया जाएगा, एक हिस्से में इलेक्ट्रॉन कैरियर पाया जाएगा, और तीसरे हिस्से में एंजाइमेटिक रिएक्शंस पाए जाएंगे। जो LHC वाला पार्ट होगा उसके टॉप पर हमारे पास रिएक्शन सेंटर होगा, और उसके नीचे क्या बने होंगे बताओ, एंटीने इस तरीके से हमारे बने होंगे। अब ये अंतर क्या करने वाला है, अंतर बस इतना ही है, ये जो रिएक्शन सेंटर है बाबू, ये कितना वेवलेंथ कैरी करेगा, यहां पे 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ को कैरी कर सकता है। तो अगर ये 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ कैरी कर सकता है तो क्या इसका एंटीना 690 तक का काम कर सकता, नहीं कर सकता है क्या, 699 तक का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसकी औकात, मतलब इसकी एंटीना की जो औकात है, इसकी एंटीने की जो औकात है वो 400 से लेके 699 नैनोमीटर तक की है, वो इतना वेवलेंथ को आराम से कैरी आउट कर सकता है, समझे, बस ये फर्क है। बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर और एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या फर्क है वो भी लेटर ऑन समझेंगे हम लोग। अब देखिए बाबू, अगर मैं आपको ये समझाऊं PS2 का कंसेप्ट, तो PS2 में भी ये तीन हिस्से में काम कर रहा होगा, यहां पे हमारे पास LHC काम करता है, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करेगा, और यहां पे काम करेगा बाबू हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन वाला पार्ट। अब यहां पे भी देखो हमारे पास ऊपर होंगे हमारे रिएक्शन सेंटर, और नीचे हमारे ऐसे बने होंगे हमारे ऐसे इस तरीके से अपने एंटीने बने होंगे। और यहां पे जो रिएक्शन सेंटर है बच्चा वो कितने नैनोमीटर पे काम कर रहा होगा सर, वो 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा होगा। तो बताओ इसके एंटीने कितने पे काम कर रहे होंगे, ये 400 से लेके 679 तक, बोलो जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलो अगर ये चीज समझ आ गया तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है
अगर 550 नैनोमीटर का एक रेज आता है, एक रेडिएशन आता है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 550, चौधरी जी कहाँ हैं, वापस आइए, 550 नैनोमीटर का एक रेडिएशन आया, अब मुझे ये बताओ इस रेडिएशन का PS1 पे और PS2 के किन किन पार्ट्स पे अफेक्ट दिखने को मिलेगा, बताओ। अब जरा सुनो, यहां PS1 में क्या होता है, एक एंटीना होता है और दूसरा क्या होता है बच्चा, रिएक्शन सेंटर। यहां भी क्या होता है, एक एंटीना होता है और एक क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। तो क्या मैं आपसे ये बोलूं कि 550 का वेवलेंथ अगर आया है तो PS1 का एंटीना एक्टिव होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सारे बच्चे कह रहे होगा, अरे बिल्कुल होगा भैया, 550 इसकी तो 700 की औकात है, इतने में तो ये दोनों को एक्टिवेट कर देगा बड़ी आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर PS2 की बात करें तो होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, उसकी तो औकात 680 की है, क्या डिफरेंस दिख जाएगा आपको, अरे यहां भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब अगर दूसरा क्वेश्चन बोलूं, अब मैं कहता हूं 550 नहीं, अब 80 नैनोमीटर का आपको मैंने वेवलेंथ दे दिया, कितना दिया 680 नैनोमीटर। अब बताओ 680 नैनोमीटर का क्या फर्क दिखेगा आपको, क्या PS1 में दोनों ही एक्टिव है अभी भी, क्योंकि उसकी औकात कितनी की भैया, 700 की, तो उसका एंटीना भी रिस्पॉन्ड कर रहा होगा और उसका रिएक्शन सेंटर भी रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। लेकिन 680 में क्या PS2 का एंटीना और रिएक्शन सेंटर दोनों ही एक्टिवेट है या नहीं है, एंटीना एक्टिवेट नहीं है, यही वाला क्वेश्चन तो समझना था, लेकिन रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट है, क्योंकि एंटीना तो उससे कम तक, मतलब कहां तक रख सकता है, 679 तक रख सकता है। अब बताओ अगर एंटीना 680 रख ले तो फिर रिएक्शन सेंटर वो कहां से पास करेगा, और रिएक्शन सेंटर की औकात 680 तक की है तो मजबूरी हो जाएगी उसको 680 से ऊपर पास करना पड़ेगा। लॉजिक सुनो, अगर एंटीना, मतलब यहां पे मैं दिखाऊं आपको, अगर ये एंटीना यहां पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसने 680 एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कभी सेम ग्रेडियंट पे कोई मूवमेंट मुमकिन होता है बेटा, वहां तो स्टैटिक मेंटेन हो गया, बैलेंस हो गया, तो बैलेंस कंडीशन में कोई भी चीज का आदान प्रदान मुमकिन संभव नहीं है। समझे नहीं समझे, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आई है तो बताओ उस फोटो सिस्टम के कौन कौन से पार्ट एक्टिवेट होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो आसानी से आप समझ जाओगे 680 है तो एंटीना तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन रिएक्शन सेंटर हो जाएगा। चलो एक तीसरा सिचुएशन देता हूं आपको, मैं कहता हूं भैया मेरे पास 690 नैनोमीटर दे दिया मैंने, अब बताओ क्या क्या हरकतें दिखेंगी तुम्हें, क्या PS1 का एंटीना एक्टिवेट होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा, वो तो 700 तक का सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या उसके रिएक्शन सेंटर भी एक्टिवेट होंगे, बिल्कुल, तो PS1 वाले में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए PS2 में क्या उसका एंटीना होगा, कतई नहीं हो सकता, क्या उसका रिएक्शन सेंटर भी होगा, कतई नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। समझे लॉजिक, अब बताओ जरा एक और क्वेश्चन है, अगर मैं आपकी बार भैया 700 दे देता हूं, सॉरी 770 दे दिया मैंने, अच्छा हालांकि वो भी क्वेश्चन है गो, हाँ 700 नैनोमीटर दे दिया, अब बताओ क्या क्या होगा, PS1 का रिएक्शन सेंटर होगा, उसका भी एंटीना नहीं होगा। अब PS2 की तो भैया बात अगर कर रहे हो तो आप नलायक हो, क्योंकि उसकी बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो औकात से बाहर की बात हो रही है ना भाई, हाँ समझे नहीं समझे। अब अगर 720 जो कि आपका नीट का स्कोर होना चाहिए, अगर इससे वेवलेंथ का काम हो जाए तो बताओ कुछ भी होगा क्या, यहाँ पे PS2 में कोई हरकत दिखेगा, PS2 का कोई हरकत दिखेगा नहीं, और PS1 में भी कोई हरकत नहीं दिखेगा। क्या ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया, इसलिए मैंने बेटा बहुत बेसिक चीजें समझाई आपको कि किस तरीके से आपको लाइट के वेवलेंथ पे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बनाए जा सकते हैं। तो पहले अभी इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं डिटेल नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर रिएक्शन वाले पार्ट पे। चलिए इसको कॉपी करिए, अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास है, ये समझ आ गया, अगर आपसे अलग ये अलग कॉपी कर लेना अच्छे से भाई, ये खेल आपसे बड़ा अच्छा से खेल सकता है एग्जामिनर, है ना, ये आपको आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए भाई अब जरा आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या अपने पास, देखना भाई, तो फोटो सिस्टम को आपने बहुत हद तक जो है अच्छे से समझ लिया, अब मुझे नहीं लगता कि फोटो सिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको, है ना। अच्छा ये तो पता है डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि PS1 पहले और PS2 बाद में, है ना, ये कोई पूछे कि क्या PS1 PS2 वेवलेंथ के आधार पे डिसाइड किया गया था, कतई नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। और किनका रोल था सबसे बड़ा इनके डिस्कवरी के अंदर, एमर्सन का, अरे एमर्सन का ही रोल था ना, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला, उनका ही रोल था। चलिए
अब जरा देखें अगली बात क्या है बच्चा। नेक्स्ट बात है हमारे पास, आपको यह समझ आ गया कि फोटो सिस्टम जो है वो इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं हम। मतलब LHC का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का कॉम्बिनेशन है, और यहां पे हमारे पास एंजाइमेटिक पार्ट का कॉम्बिनेशन है EP। अगर मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली लेके चलूं उसको, तो देखो भाई ये फोटो सिस्टम होते कहां कहां पे हैं। ये रहा आपका अपना क्लोरोप्लास्ट, जो कि आप जानते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। अंदर हमारे पास है ये पूरे हमारे ग्रेना, वैसे इंडिविजुअली इनको हम थायराकोइड ही बोलेंगे, और पूरे स्टॉक को अपन ग्रेना बुलाते हैं। और ये बीच में पड़ा है अपने पास स्ट्रोमल लैमेली, इस तरीके का है ना, ये हो गया हमारे पास स्ट्रोमल लैमेली। जी हाँ, अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो आप गड़बड़ कर सकते हो, वो गड़बड़ी मत करना प्लीज, कि कौन से फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, थायलाकॉइड के किधर भाई, मेम्ब्रेन पे। क्या बोलोगे, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। तो थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे एक तो हमारे पास PS2 होगा, और दूसरा क्या होगा, PS1 होगा। मतलब क्या है कि थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे दोनों ही फोटो सिस्टम अवेलेबल हैं। ये बात तो सोचने की है ही नहीं अपने पास। लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रोमल लैमेले की मेम्ब्रेन की बात करूं, तो स्ट्रोमल लैमेले में सिर्फ और सिर्फ PS1 ही होगा। क्या होगा बच्चा, PS1 होगा। ये बस यहां पे खत्म हो जाती है ना। कोई बोले क्या स्ट्रोमा में कोई हमारे पास फोटो सिस्टम है क्या, भाई सोचना अभी मत गलती से, क्योंकि स्ट्रोमा रीजन तो खाना बनाने का रीजन है, उसको लाइट से क्या फर्क पड़ता है। वो तो यूं कहता है कि भाई तुम लोग अपना काम करो, आज साइड से हमको एनर्जी पास कर दो कि हमारे क्या कर दे, खाना बना ले, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं और जानते हुए बहुत बेहतर तरीके से। तो स्ट्रोमा रीजन पे कोई भी फोटो पिगमेंट्स नहीं पाए जाते और ना ही कोई फोटो सिस्टम पाया जाता है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये जो है बच्चा अंदर का रीजन, ये वाला अपने पास जो है ये थायलाकॉइड का ल्यूमेन है, थायलाकॉइड का ल्यूमेन। थायलाकॉइड के ल्यूमेन में क्या घटना घट रही है, कोई बताएगा? जी बिल्कुल, एक्यूमुलेट को नहीं बोलोगे, पहले तो आप सिक्वेंस में बोलोगे कि यहां पर फोटोलिसिस हो रही है बच्चा। क्या हो रही है, फोटोलिसिस हो रही है। मतलब क्या है, यहां पे H2O जो है वो टूट रहा है किसमें, H+ ion में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली टूटता जा रहा है। तो वो कांड कहां हो रहा है, थायलाकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है भाई, सनलाइट एक्सेप्टिंग का काम कहां हो रहा है, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और कहां हो रहा है, स्ट्रोमा के मेम्ब्रेन में। बाकी स्ट्रोमा में सिर्फ क्या हो रहा है, तो फूड का सिंथेसाइजिंग हो रहा है। ये आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक, यहां तक की बात में किसी कोई दुविधा दिक्कत नहीं है ना। चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने सिस्टम पे फटाफट से पहुंच जाते हैं, अगला सिस्टम है क्या भाई और समझना क्या अपने को। देखो जरा ध्यान से, अगला सिस्टम है हमारे पास साइक्लिक फोटो सिस्टम। साइक्लिक वाले फोटो सिस्टम में काम कैसे होता है, ठीक है, साइक्लिक अगर फोटो सिस्टम है अपने पास, पूछ रहे कुछ, हाँ, साइक्लिक फोटो सिस्टम पे काम किस तरीके से होता है और साइक्लिक का क्या रोल है, बड़े अच्छे से समझते हैं। देखिएगा अब क्या करते क्या बेटा, अभी जो मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया ना, ये वाला, ये यहां से यहां तक वाला, ये वाला पार्ट, अब इसको निकाल के मैं अगले डायग्राम में थोड़ा बड़ा तरीके से दिखा रहा हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब मैंने क्या निकाल दिया, थायलाकॉइड का एक मेम्ब्रेन को निकाला समझाने के लिए, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, क्या भाई ये थायलाकॉइड का मेम्ब्रेन, थायलाकॉइड में तो एक ही मेम्ब्रेन होता है ना भाई, क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये थायलाकॉइड का अपना मेम्ब्रेन हो गया, क्लियर है। अच्छा, और ये एरिया क्या हो गया, पूरा थायलाकॉइड का ल्यूमेन हो गया, समझ गए। अब बताओ इस पे क्या है, क्या इस पे हमारे पास क्या है, ये वाला क्या है फोटो सिस्टम, PS2 है पहले, देखो बेटा PS2 बताया ना पहले, तो फिर क्या बताया, 1 सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्यों PS2 पहले है, क्योंकि पहले तो भाई 680 एक्सेप्ट करे ना, तब तो 700 एक्सेप्ट करेगा। जी बिल्कुल, पहले PS2 होता है और फिर यहां पे PS1 होएगा, इस तरीके से। चलो, और फोटो सिस्टम कितने चीजों से मिलकर बना होता है, अभी जस्ट समझाए थे, क्या क्या, रिएक्शन सेंटर, अरे उसको LHC बोलो ना, अब रिएक्शन सेंटर मत बोलो, रिएक्शन LHC बोलो, और इलेक्ट्रॉन कैरियर और एंजाइमेटिक वाला पार्ट, बिल्कुल सही। चलिए अब यहां पे हमारे पास, ये तो सर समझा दिया, अब यहां पे हमारे पास कुछ पिगमेंट्स होंगे। अच्छा, कोई बताएगा पिगमेंट्स का काम क्या भैया, पिगमेंट्स, व्हाट इज पिगमेंट्स, ये वो पार्ट है जो कलर प्रोवाइड करते हैं, यही बोलोगे क्या,
नहीं, वो क्या जवाब नहीं हुआ? और कुछ बताओ, कोई बच्चा बोल सकता है तो बोले, बोले भाई कुछ बोलो सकते हो तो बोलो। क्या होता है पिगमेंट? तुम्हारे हिसाब से पिगमेंट से क्या समझते हो भैया? पिगमेंट्स ना, तुम्हारी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन अभी तक बैठी हुई है वो ये है कि पिगमेंट्स का मतलब है कलर, कलर से कुछ लोचा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिगमेंट्स का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाले एजेंट्स, जो एनर्जी और वेवलेंथ का खेल अच्छे से खेल सकते हैं उन्हें वेवलेंथ, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स बोलते हैं। जो अपने को बड़े एनर्जी देते हैं और अगले को कम एनर्जी पास कर देते हैं, और अपने पास जो है छोटा वेवलेंथ रख लेते हैं और अगले वाले को बड़ा वेवलेंथ देते हैं, तो ये जो कहते हैं ट्रांसफर वाला काम जो खेल खेलते हैं वो कौन करते हैं? पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स उन्हें बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में? अब जरा देखो, ये जो मैंने सिस्टम समझाया है ये साइक्लिक फोटो सिस्टम है, ठीक है? अब जरा समझेंगे यहाँ पे, जिन बच्चों को आज तक इसमें दिक्कत होती थी आज से वो दिक्कत ही खत्म हो जानी है, क्योंकि बहुत आसानी समझ जाओगे। बस ध्यान से सुनना आप लोग। कौन सा? नहीं नहीं, मैं बताता हूं अभी वो सब क्या क्या है। देखो, ये जो गोल गोल बनाया बच्चा, ये जो पूरा गोल दिख रहा है आपको, ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। यहां पे हमारे पास क्या है? रिएक्शन का सेंटर है, और नीचे हमारे पास बैठे क्या है? एंटीने हैं। अब समझ गए ये क्या है? मतलब क्या मैं उसको एक शब्द में बोलूं तो LHC बोलूंगा? बिल्कुल बोल सकता हूं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्या यहां भी रहेगा भैया? ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंटीना है। कोई बात, दिक्कत नहीं यहां पे? अच्छा भैया, तो ये क्या है? तो ये हमारे पास है बच्चा पिगमेंट्स। ये क्या है? पिगमेंट्स है। ये भी पिगमेंट्स है, और इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना। हालांकि ये पिगमेंट्स तो अपने एंटीना में भी है, लेकिन एंटीना वाले पिगमेंट्स रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हैं, और ये वाले पिगमेंट एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन का पास करा रहे हैं। ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको। नहीं समझे भैया? पिगमेंट तो यहां भी है ना यार, बताओ ये कौन सा पिगमेंट है? ऊपर वाला ये कौन सा है? क्लोरोफिल बी है। ये कौन सा है? बिल्कुल ज़ैंथोफिल है, हाँ या ना? और ये क्या है भैया? कैरोटेनॉइड्स है। कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे रहे हैं? ऊपर बैठा मस्त चिल कर रहा कौन? क्लोरोफिल ए। कौन सा भैया बताइए? क्लोरोफिल ए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, ये वाले जो पिगमेंट से ये क्या कर रहे हैं? तो ये इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को दूसरे फोटो सिस्टम में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बिटवीन टू फोटो सिस्टम तो अलग पिगमेंट्स होंगे, बिटवीन सेम फोटो सिस्टम तो अलग पिगमेंट्स होंगे। ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? एग्जाम में पूछेगा, अगर इंट्रा पूछता है तो इसकी बात करोगे, इंटर पूछता है तो इसकी बात को डिफरेंट की बात करोगे। अगर पूछा क्या ज़ैंथोफिल इंट्रा है या इंटर है? इंट्रा है, क्योंकि सेम की बात हो रही है। कैरोटेनॉइड इंट्रा है। क्लोरोफिल बी इंट्रा है। अब मान लेते हैं इसका नाम है झगरू मंगरू, क्या है? इंटर है। समझ गए? मतलब इनको तीनों को छोड़ दें, अगर इन तीनों को, तो दुनिया के सारे पिगमेंट अगर यहां से क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं तो इंटर डाल देना, सब आंख बंद करके इंटर डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। समझे मेरी बात को? अब देखो इनके नाम क्या है, पहले इनके नाम की पहचान बता दूं आपको, बहुत आसानी समझा रहे बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं, अपने को बहुत आराम सीखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको हम प्यार से मटर भी बुलाते हैं। अब मटर क्यों बुला रहे हो भैया? देखो ना इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मटर ही तो दिख रहा है, पी, ठीक है। लेकिन इस पिगमेंट का अपना नाम है, और इस पिगमेंट का नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है बच्चा? फियोफाइटिन। याद रहेगा पहला पिगमेंट क्या है? फियोफाइटिन है। दूसरा वाला पिगमेंट भैया, इसका नाम है बताइए पी क्यू। क्या नाम है? पी क्यू। तो पी क्यू को क्या बोलते हैं? प्लास्टो क्यू नोन। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है भैया? ये ऑरेंज वाला जो है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है CYT B6F। क्या बुलाते हैं इसको? CYT B6F। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल आप याद कर लें, साइटोक्रोम। कोई दिक्कत नहीं भैया, सिर्फ क्लियर है। अगले वाले का नाम बताइए, चलिए फटाफट से क्या होगा? अगला वाला होता है PC, और PC का फुलफॉर्म होता है, बोलो, प्लास्टोसाइनिन। कोई दिक्कत भैया? नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये तो चलो PS2 की बात हो गई। अच्छा ये जो सिस्टम बनाया है, इसका पूरे का नाम क्या? इकट्ठे PS2।
टू. तो अगर ये पी एस टू है तो बताइए इसकी औकात क्या है भाई, इसकी औकात क्या है? 680 नैनो मीटर की औकात है. कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी औकात क्या है? अच्छा, ये भी क्या क्लोरोफिल ए ही होगा? बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना भाई? ठीक है, ये हमारा जेंटोफिल कैरोटोनॉइड, अपना क्लोरोफिल भी, वो सब खेला वही चल रहा है. बस ये याद रखें कि ये वाला की औकात क्या होगी, 700 नैनो मीटर. अच्छा भैया, एक और बात बताएं, ये हमारे पास सिस्टम ऐसे कौन सा होगा? पी एस वन का होगा. तो क्या पी एस वन भी कोई ना कोई पिगमेंट तो कैरी करेगा? ये तो चलो इनके इनके बीच की हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी निकलेंगे, तो वो कौन पिगमेंट कैरी करते हैं? तो उसके बाद भी एक दो पिगमेंट याद कर लो, वैसे उतना जरूरी नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा भाई. यहां पे दो पिगमेंट बनाता हूं, थोड़ा सा जगह यहां पे हमने यूटिलाइज कर लिया है, तो यहां पे दो और पिगमेंट को एक्सपेन किया जा सकता है. ठीक है, और वो दो पिगमेंट है, मान लेते हैं कि यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं एक, और दूसरा पिगमेंट जो है वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं दो. तो सुनो, इसका नाम होता है बच्चा, इसका नाम होता है पहले वाले का, इसका नाम होता है एफ ई एस, और इसका नाम होता है एफ डी. और एफ डी को ही याद करते हैं हम लोग किस नाम से? फेरोडॉक्सिन. अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइन समझा रहा हूं, अभी कोई रिएक्शन नहीं समझा रहा मैं तुम्हें, बस अभी ये समझ लो कौन चीज क्या है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में जेड लाइन जब समझेंगे, जेड स्कीम, तो वो अलग से समझ में आना चाहिए अपने को. समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करा देता है, वो है क्या, वो सब आप जानते हो पहले से क्या क्या चीज है. आपको मैंने बताया था फोटो सिस्टम भैया तीन चीज से मिलकर बना होता है. पहला एलएचसी होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है. अच्छा, का इलेक्ट्रॉन का अगर कैरियर है तो कहीं ना कहीं बीच में तो रिएक्शन चल रहा होगा, तो वहीं पे एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, वो तो सोचने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो एक एलएचसी हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, एंजाइम का रिएक्शन वाला पार्ट हो गया, पूरा मिला के बोलो तो क्या बन जाएगा? फोटो सिस्टम बन जाएगा. अब हमारे पास ये काम कहां चल रहा है? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे. थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे दो चीज प्रेजेंट है, पीएस वन और पीएस टू, सॉरी पीएस टू और पीएस वन. अच्छा, आपको पता है अगर डिफरेंट सेम सेम पीएस अगर सिस्टम्स होंगे फोटो सिस्टम, तो उनके पास खुद के अपने पिगमेंट्स होते हैं ताकि वो रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन पहुंचा सके. तो वो कौन कौन होंगे? कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, ये एंटीना वाले पार्ट हो जाएंगे, और ऊपर अकेला बैठा कौन? मस्त रिएक्शन सेंटर, जो क्लोरोफिल ए हो जाएगा. उसके बाद पहला पिगमेंट क्या बोलोगे? बोलो ना, फियोफाइटिन, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. भाई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआईएमपी लगा देना इसको, भूलना मत. बहुत जगह पे ये नाम नहीं देगा आपको, बस ये पीईए पूछेगा, तो ध्यान रखना पीईए ही किसको बुलाते हैं? फियोफाइटिन को. व्हाट इज पीईए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? पीक्यू प्लास्टोक्विनोन. वो किसको पास करेगा? साइटोक्रोम. और वो किसको पास करेगा? 5-प्लास्टोसाइनिन को. ठीक है, इसको बहुत जगह पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी सी पी सी. ठीक है, इस पी का मतलब है वैसे पीक्यू, और इसका मतलब है साइटोक्रोम, और इसका मतलब है प्लास्टोसाइनिन. तो PC इक्वल्स टू PC ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, एक क्रिकेटर है पीयूष चावला, है पीयूष चावला, वो जानते हो क्रिकेटर है, स्पिनर बॉलर है PC. और प्रियंका चोपड़ा भी तो अपनी है PC वाली, ऐसे याद कर सकते हो, प्रियंका चोपड़ा इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा. पर्सनल कंप्यूटर, हाँ पर्सनल कंप्यूटर, वाह. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री इक्वल्स टू फिजिक्स केमिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे निकल जाएगा ना. ठीक है, अरे समझ आया कि नहीं आया यार? क्लियर हो गया, ये आइडिया लग गया पहले आपको, इसको पहले कॉपी करें, फिर अपन जेड स्कीम सीखते हैं आराम से. हड़बड़ी नहीं है, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, पहले इसको सीखे आराम से. जी हाँ, पी अच्छा ये साइक्लिक लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ये अभी नॉन साइक्लिक वाला समझा रहा हूँ, सॉरी सॉरी टू से, यहाँ नॉन छुट गया. हालांकि साइक्लिक अगले में समझेंगे, पहले तो हम नॉन साइक्लिक सीख रहे हैं अभी, हालांकि सिखाया नहीं है अभी, तो बस आउटलाइन समझाया मैंने, ये नॉन साइक्लिक वाला. अभी साइक्लिक इसके बाद, पहले नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं फिर साइक्लिक आएंगे. पहले इसको उतारे आप लोग अच्छे से कॉपी करें, फिर वो समझाता हूं. तो चलिए बच्चे, यहां तक समझ आ गई चीजें. अब जरा मेरे को एक सीक्वेंस बताओ आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि पहली बार अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा इधर ध्यान दें, पहली बार अगर लाइट यहां पड़ा किधर, पीएस टू के सिस्टम पे, तो इलेक्ट्रॉन उछला, तो इलेक्ट्रॉन उछला उसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस पे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए आपके कि सीक्वेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
अच्छा इसको फोटो फॉसिलाइजेशन भी कहता है। अभी तो मैंने आपको फोटो सिस्टम समझाया है, अभी नेक्स्ट में फोटो फॉसिलाइजेशन समझाऊंगा, वो भी एक अलग चीज है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉसिलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का एग्जिट मूवमेंट का सिक्वेशन क्या होता है, सिक्वेंस क्या होता है? तो पहला पीएस टू बोलोगे, दूसरा पीई ए बोलोगे, या फिर प्लास्टो सॉरी फियो फाइटिन बोलोगे, उसके बाद पी क्यू बोलोगे, प्लास्टो क्यूनॉन बोलोगे, उसके बाद साइटोक्रोम बोलोगे, या फिर सी वाई टी सिक्स बी एफ बोलोगे, या फिर उसके बाद प्लास्टो साइनिन बोलोगे, और प्लास्टो साइनिन के बाद पीएस वन बोलोगे, पीएस वन के बाद एफ ई एस बोलोगे, और एफ ई एस के बाद एफ डी बोलोगे। और ये सिक्वेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो बीच का तो बहुत आसानी से याद हो जाता है हर किसी को, एक तो मटर है पी, और पी के बाद पीसी इक्वल्स टू पीसी, पी का मतलब पी क्यू वाला पी की पी, और सी वाई मतलब सी वाई वाला फोटो सिस्टम, और पीसी हमारे पास प्लास्टो साइन। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक व्रिक मत ढूंढो, ट्रिक ढूंढोगे तो कहीं ट्रिक ही भुला गया तो सारा कॉन्सेप्ट भुला जाएगा ना। याद कर लो अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चलिए तो आइए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज नॉन साइक्लिक फोटो फॉसफोराइलेशन। पीछे वाला फोटो सिस्टम समझाया था, अब हम आपको समझा रहे हैं फोटो फॉसफोराइलेशन। चलिए भैया सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझाइए जरा, फोटो फॉसफोराइलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए भाई साहब, आप सब जानते हैं बड़े अच्छे से कि फॉसफोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, और फॉस्फेट ग्रुप की ऐड की बात वही की जाती है जहां पे एटीपी का बात होता है या एटीपी का जिक्र होता है। अरे भाई वही तो, एडीपी को अगर फॉस्फेट दोगे तभी तो एटीपी बनेगा, तो उसको ही तो बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फोराइलेशन किसके वजह से मुमकिन है? फोटो के वजह से। अगर लाइट ही नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं। तो फोटो के वजह से फॉस्फोराइलेशन हो गया, मतलब लाइट के वजह से एनर्जी बन गई, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। वर्ड समझ में आया कि नहीं? रट्टा नहीं मारना है, बहुत आसान चीज है। फोटो मतलब लाइट, फॉसिलाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं एटीपी बनने की बात हो रही है, और एटीपी बनना मतलब एनर्जी बनने की बात हो रही है, और अगर एनर्जी बनी है लाइट के हेल्प से तो एक शब्द लिखा गया उसके लिए और बोला गया फोटो फॉसिलाइजेशन। और ये नॉन साइक्लिक का मतलब यह है कि एनर्जी अगर बन गई है तो दोबारा लौट के नहीं आई, तभी तो उसको क्या बोला गया, नॉन साइक्लिक। अब जरा फंडा समझते हैं बेटा। अब इसका एक और नाम वैसे याद कर लें आप लोग, एक और नाम बड़ी इसका फेमस है, और उसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। इसी को बोलते हैं जेड स्कीम। अब क्यों जेड स्कीम बोलते हैं वो भी चीज आप समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए भाई, अब यहां बस हम समझ गए तुम आगे क्या बोल रहे थे। कैरिमिनाटी इधर देखो, कैरिमिनाटी इधर देखो। चलिए हम उसके मन की आवाज सुन गए थे, वैसे हम समझ रहे हैं, वैसे हम भी बड़ी फ्लो में रुक गए न तो रिकॉर्डिंग चल रहा था वहां पे। एक बार हम बोल दिए थे रिकॉर्डिंग कैंसिल करना पड़ा हमको उस बाद। यही होता है ना मॉडर्न जमाने के, अगर आप टीचर हो और मॉडर्न जमाने के स्टूडेंट हो तो ये जो मीम है जुबान भी रहते हैं। चलो भाई देखो, ये अपने पास है LHC, ठीक है भाई, ये अपने पास है LHC। अगर LHC है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजू बाजू में हमारे पास क्या होंगे, ये सब एंटीने होंगे। वो तो मैंने अलग सीक्वेंस में सिखाया था, अब मैं थोड़ा सा अलग सीक्वेंस में ताकि शॉर्टकट समझ जाओ, बाकी डिटेल तो आप अब सीख ही चुके हो कि कौन क्या होता है। क्या हम एंटीना को ही एसेसरी पिगमेंट से बोलेंगे? हाँ या ना बोलो यार, बोलेंगे चलो, क्योंकि साथ में जो है वो एसेसरी ही काम करते हैं। भैया अगर ये मेन रिएक्शन सेंटर है तो बताओ भैया ये क्या कैरी करेगा? क्लोरोफिल ए। ये बेझिझक आप बोलोगे, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा भैया हाई जो चमचा लोग, ये लोग कौन कौन है? ये चमचा लोग आपके भैया क्लोरोफिल बी भी हो सकते हैं भैया, और ये जैंथोफिल भी हो सकते हैं, और ये आपके कैरेटेनॉइड भी हो सकते हैं। ये सारी बात भी हम लोगों ने बड़ी अच्छे से कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं थी। भैया ये सिस्टम कौन सा है? ये पहला सिस्टम अपने पास कौन है? PS2 है। अच्छा ये पूरी कहानी कहाँ चल रही है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे चल रही है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए अब हमारे पास कोने में हमारे अपने सूर्य देवता जी हैं, और सूर्य देवता से क्या निकल रही है भाई? किरणें निकल रही हैं, और ये किरणें कहां तक पहुंच रही हैं? आपके फोटोसिस्टम 2 पे एकदम मस्त पहुंच गई भाई। पहुंच गई क्या?
अब अगर पहुंची होंगी तो बताओ क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला होगा? भैया अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो आपने शुरू ही क्लास में समझाया था कि इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो तीन बातें कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, या वो इलेक्ट्रॉन किसी अदर पिगमेंट को पास कर दिया जाए, या फिर वो इलेक्ट्रॉन कोई केमिकल रिएक्शन करके दिखा दे। तो अपने को कौन सा देखना था? हमने कहा था दो ही देखेंगे हम लोग, वो इलेक्ट्रॉन या तो किसी पिगमेंट को पास हो जाएगा या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करके दिखाएगा बाबू, तो शुरू में समझा दिए थे। अब देखो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे इसको हिट करेगा सनलाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस यहां पे स्टार्ट होगा, जैसे ये लाइट इस कहते हैं ना इस पूरे पार्ट को मिलेगा, यहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, दो इलेक्ट्रॉन वैसे यहां से क्या हो जाएगा, तुरंत एग्जिट आउट हो जाएगा। अभी बताता हूं इलेक्ट्रॉन कहां से क्या हो रहा है, सुन लो पहले। ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया बच्चा, एग्जिट हो गया। कैसे हुआ? अरे आपने एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल का प्लेट होता है, ऊपर से रेज आता है सन का, तुरंत उस प्लेट को हिट करता है और इंस्टेंटली जैसे ही वहां पे रेज हिट होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, वो दूसरे प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करता है, जिसकी वजह से अपोजिटली करंट मूव होना स्टार्ट हो जाता है। आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट याद आया, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाला याद है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी, बिल्कुल बिल्कुल वही तो आइंस्टीन की इक्वेशन था, उसी को तो अवार्ड मिला था, नोबल उनको उसी में मिला था, सोच लो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि वो कॉन्सेप्ट बताया था हर्ट्ज ने, एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने बताया था, इक्वेशनली आइंस्टीन ने बताया, और इक्वेशनली बताया इसलिए उनको अवार्ड मिला था नोबल प्राइज उसी काम के लिए। कुछ लॉजिक यहां भी सेम वैसी होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, सबसे पहले इसको रोकने के लिए कौन तैयार है? क्या हुआ क्या नाम आती है, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, देखो भाई तो सबसे पहले ये भैया दो इलेक्ट्रॉन उछला होगा तो सबसे पहला पिगमेंट कौन इंतजार कर रहा है? क्या मटर इंतजार कर रहा है? अरे पीए बोलो ना, हाँ या ना, तो है क्या पीए यहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए बैठा हुआ है? अच्छा पीए हमारे पास थियोफाइटिन है, तो आप तो समझ ही गए होगे। अब ये क्या करेगा भैया, इस दो इलेक्ट्रॉन को उठा के अगले को पास कर देगा, लो भाई रखो। अब दो इलेक्ट्रॉन जो पास किया उसको पिगमेंट को कौन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है यहाँ पे, चलिए बताइए, पी क्यू, पी क्यू के बाद अगला वाला कौन सा होगा वो भी बता दो, साइटोक्रोम, साइटो या सीवाईटी सिक्स बीएफ भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा अब अगला बताएं यहां पे कौन होगा, पीसी होगा। चलिए मैं अब इसके सीक्वेंस को फिल कर देता हूं, आप लोग जानती हैं यहां पे दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, सॉरी ये कलर नहीं विजिबल है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आया और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। चलिए इसका नाम हमारे पास हो गया पी क्यू, इसका नाम हो गया सीवाईटी, ठीक है बिल्कुल, और इसका नाम हो गया पी सी, फुल फॉर्म पता है प्लास्टो क्यूनॉन साइटोक्रोम और प्लास्टो साइनिन हो गया। अच्छा इसी काम पे भैया पता है कांड हो गया, कांड पता क्या हो गया, इसी दौरान पे कांड हुआ बड़ी तगड़े वाला, यहाँ पे एडीपी से एगो एटीपी बन गया, आहा क्या मजा आ गया, पहला एनर्जी तो यही बना इसी दौरान। अब ये काम कहाँ हुआ, साइटोक्रोम वाले पिगमेंट पे, और साइटोक्रोम ने क्या किया, साइटोक्रोम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को यूज करके एटीपी से क्या कन्वर्ट कर दिया, एटीपी कन्वर्ट कर दिया। अभी और आगे कहानी सुनाते हैं, अभी आपको सुनते रहिए, अभी इसमें क्या क्या कांड होने वाला है अभी सुनिएगा। अब ये कहां पहुंचेगा, यहां पे हमारा दूसरा फोटो सिस्टम वेट कर रहा है बहुत इत्मीनान से, बहुत बड़ा वाला फोटो सिस्टम वेट कर रहा है, क्या नाम है इस फोटो सिस्टम का, पीएस वन वाला वेट कर रहा है मस्त थायलाकोइड के मेम्ब्रेन पे। अब ये पीएस वन जो है सेम इसके पास अगल बगल इसके नौकर चाकर घूम रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स, वो अगल बगल हमारे मस्त घूम रहे हैं। अच्छा इसकी औकात कितने तक की है, अच्छा एक बात बताएंगे बाबू, अगर हम यहाँ पे ये जो वेवलेंथ निकाले हैं, ये जो लाइट भेज रहे हैं हम, अगर इसका 680 वेवलेंथ है नैनोमीटर, तो क्या इस वेवलेंथ पे ये और ये दोनों ही एक्टिव है कि नहीं है? अगर 700 होता तो ये काम कतई नहीं होता, खाली हाई होता, तो वेला पड़ जाता ना, तो अगर ये वेला हो जाता तो ये अगले को पास ही नहीं कर पाता, तो ये काम ही खत्म हो जाता। तो ये पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर नॉन साइक्लिक है तो आया हुआ रेडिएशन का पक्का बताओ कौन सा वेवलेंथ रहा होगा, 680, क्योंकि 680 पे ही ये एक्टिव हुआ और 680 पे ये भी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन 700 पे सिर्फ ये हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा, तो 700 वाला तो पक्का नहीं है, तो ये 680 पे दोनों एक्टिव है, ये बात तो समझ आ गई होगी आपको। अच्छा भैया तो यहाँ भी फिर वही बात लिख देते बच्चों वाली बात है यहाँ पे, कि ये क्लोरोफिल ए है और ये बाकी हमारे पास क्लोरोफिल बी और जैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स वगैरह हैं, और यहाँ पे ये 700 मतलब पी 700 के नैनोमीटर को रेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये हमारा पी 680 को एक्सेप्ट कर रहा है। एक सेकेंड खत्म। अच्छा ये पीएस 2 है, तो ये वाला अपना पीएस 1 है, चलो ये वाली बात भी समझ गए आप लोग अच्छे से। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहां से पहुंचा दो, ये लो पहुंचा। अब जैसे ये लाइट दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इधर से दो, अब ये तो पहुंच के वहां पे घुस गया, वो बाहर नहीं आया, वो वही रह गया। क्या वो जो सनलाइट है इधर भी पड़ रही होगी?
भाई वो तो पूरे सिस्टम में पढ़ रही है ना यार, ऐसा पार्शलिटी थोड़ी कि सिर्फ इधर ही पढ़ रहा होगा, वो इधर भी पढ़ रहा होगा, तो इधर पढ़ रहा होगा तो इधर भी हमारे पास यहां से जो है इजेक्शन हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कहां पहुंची होगी, फिर से मटर के पास पहुंची होगी। इसका अपना मटर कौन सा है, पी एफ ई एस है, अरे बोलो है कि नहीं है, वो किसको पहुंचा दिया होगा, एफ डी को पहुंचा दिया होगा, बोलो यहां पे हमारे पास एफ डी बैठा हुआ है, ये एफ डी को पहुंचा दिया। अब एफ डी ने एक कमाल कर दिया, बहुत तगड़ी वाला कमाल किया, वो कमाल देखते हैं क्या किया। एफ डी ने उस इलेक्ट्रॉन को रखे एन ए डी पी प्लस को एन ए डी पी एच में कन्वर्ट कर दिया भैया, तगड़े वाला एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिया एंड होते होते, समझ आया कि नहीं आया, बना दिया। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, पहला सवाल यह है कि ये जेड स्कीम नाम क्यों पड़ा, आपको दिख गया होगा, देखो ना टेन टेन टना, अरे है कि नहीं, अगर इसको देखो जरा टिल्ट मार दो तो ये तुम्हें यूं दिख रहा पहले, फिर यूं और यूं, और इस जेड को थोड़ा टिल्ट करो तो क्या जेड की जैसा नहीं दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक क्यों पड़ा, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला है तो दोबारा इलेक्ट्रॉन उसके तक लौट के नहीं पहुंचा, इसलिए नाम क्या पड़ा, नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे दो दो एनर्जी के मॉलिक्यूल बने, एक साइटोक्रोम पे एटीपी बना और एंड में फेरोडॉक्सिन के पास एनएडीपीएच2 बना। अब एक सवाल पूछोगे, तुमको पूछना चाहिए था कि भैया एक सवाल ये बताओ यार, इलेक्ट्रॉन बार बार निकल रहा है वापस भी नहीं आ रहा, तो बार बार इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे खर्च नहीं हो रहे, भाई इलेक्ट्रॉन की लिमिट तो खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी बनाता जाएगा, निकालते जाओगे बनाता जाएगा, निकालते जाओगे बनाता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंपनसेट कहां से हो रहा है, बिल्कुल यहां पे ल्यूमेन में एक अलग रिएक्शन चल रहा है, तो ल्यूमेन में क्या चल रहा है, फोटोलिसिस। अब ल्यूमेन में जो है पानी को खूब इत्मीनान से तोड़ा जा रहा है, किसमें किसमें, 2H+ आयन में, दो इलेक्ट्रॉन में, और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में उसको तोड़ा जा रहा है, और उससे जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसी को निकाल के इसमें बार बार लगाया जा रहा है। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कहां पे बढ़ गया, ल्यूमेन में। क्या ल्यूमेन में तगड़े वाला H+ बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को तो तुम खपा दिए, उसका ऑक्सीजन भी खप गया, बाहर निकल गया रिएक्शन से, तो ऑक्सीजन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन खपा दिए, तो बचा कौन, और एच कहां, H2O नहीं बोलोगे, एच बोलोगे, कहां बचेगा, ल्यूमेन में बचेगा भैया, क्लियर है क्या। अच्छा अब बताओ, क्या एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कितने बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, तीन, एक तो एटीपी बनेगा, एक एनएडीपीएच बनेगा, और एक ऑक्सीजन भी तो बनेगा, हाँ वो बात अलग है, अपने काम का सिर्फ दो है, तीसरा अपने काम का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको ये थोड़ी बोला था बताओ तुम्हारे काम का कौन सा बनेगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कितना बनेगा, तो कभी भी इस बात पे गौर फरमाएंगे। आपने सेम गलती लास्ट टेस्ट में करी थी, क्वेश्चन लंग्स से लेके आपके ब्लड वेसल तक का पूछा था और आपने जवाब एल्वोलाई से ब्लड वेसल तक का दे दिया था, तो लंग्स में ट्रेकिया क्या, अच्छा एक सेकेंड, ट्रेकिया क्या लंग्स में आते टर्मिनेट कर जाता है, कि लंग्स के कुछ हद तक के पार्ट तक अंदर नहीं गया होता है वो, हाँ तो क्या उसमें उसको, अच्छा बताओ कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है, होता है कि नहीं, टर्मिनल ब्रोंकियल्स लंग्स के अंदर होता है कि नहीं होता है, तो फिर गधेड़ा, तो कंडक्टिंग पार्ट को इंक्लूड करोगे नहीं करोगे लंग्स में फिर क्लियर हो गया ये बात, अरे तुम बोलते भैया ट्रेकिया नहीं होता, लेकिन ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई तो होता है, तो वो तो लंग्स का पार्ट है, समझ नहीं समझे, तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आंसर होगा ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है जी, नेसेंट ऑक्सीजन बिल्कुल, वो तो बाहर चला जाएगा अपना काम संभालेगा, ल्यूमेन में हमारा H2O स्टोर हो जाएगा, एक एटीपी यहां, एक एनएडीपीएच यहां। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कांसेप्ट बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नाम जेड स्कीम क्यों पड़ा, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और ये पीछे तो बस ये सिस्टम को समझाया था मैंने आपको, है ना, तो चलो इसको कॉपी करो, अभी बताएंगे उसका आगे, अभी एटीपी एनएडीपीएच2 भी जाएगा ईटीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर वहां पे NADPH2 को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एटीपी में, फिर सारा एटीपी मिलकर क्या कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, भाई कमाई तो यही तो है, अभी तो सिर्फ तुम कमाई कर रहे हो, अच्छा ये सब अभी कहां चल रहा है, ग्रेना में या फिर स्ट्रोमल लैमले में चलेगा, अभी स्ट्रोमा की तो बात ही नहीं करी भाई अपने ना, नहीं समझे। अच्छा एक बात बताओगे, तुम लोगों को बोला जाता है कि H2O जो है वो एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व है, वो क्यों है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ये बार बार जो निकल रहा है ये किसका निकला है,
पानी का ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो पानी डायरेक्टली किसके अंदर इन्वॉल्व है, एनर्जी के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? चलिए कॉपी करिए। अच्छा एक और चीज सुनो, इसमें एक और काम, एक सेकंड बाबू पीछे देव इधर सुनो, ये चीज तो समझ आ गया। अब तुम ये पूछोगे ना भैया ये काम जो हो रहा है ये काम किसी एंजाइम की वजह। अच्छा सुनो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैरियर समझ में आ गया, तुम्हें एलएचसी समझ में आ गया, तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि भैया फोटो सिस्टम तो आपने कहा था तीन चीज से मिलकर बना होता है, एंजाइम तो बताया नहीं। तो बेटा ये जो काम हो रहा है ना वो एक एंजाइम के हेल्प से हो रहा है और उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज, क्योंकि क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन का ऐड होना ही तो रिडक्शन कहलाता है। अब एक बात, कल एक क्वेश्चन तुमने पूछा हमसे कि स्ट्रोमल लैमेले वाला कुछ क्वेश्चन था कि क्या था कि क्या PS2 सिर्फ पाया जाता है कि इसमें NADP रिडक्टेज भी पाया जाता है, तो एक्चुअली में ये भी पाया जाता है, लेकिन जवाब वो भी सही था क्योंकि मैंने अब तक उसको पढ़ाया नहीं था। लेकिन अब तो समझ आ गया ना, अब तो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा फोटोलिसिस जो हो रहा है ना ये काम पता कौन करवा रहा है आपको? दो गो आपका केमिकल मैग्नीज और क्लोरीन, तो क्या इनका भी इनडायरेक्टली सिस्टम के रोल के अंदर आ गया? तो मैग्नीज और क्लोरीन का भी क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, अब क्लियर हो रहा है? वो थोड़ा क्वेश्चन मैंने आगे दे दिया था लेकिन मैंने कहा ना समझाएंगे आराम से धीरे धीरे, इसलिए मैं कुछ स्किप नहीं कर सकता, बड़ी आराम से सीखेंगे हम लोग। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर कल, है ना? कल अपन बात करेंगे साइक्लिक वाले के बारे में।